भगवान कल्याण राय जी की, भगवान कल्याण राय जी की, भगवान कल्याण राय जी की, भगवान कल्याण राय जी की कृपा आशीर्वाद हम पर बना रहे। उनकी कृपा से सभी समाजों में समृद्धि आए, खुशहाली आए, आर्थिक सामाजिक उन्नति हो, ऐसी हम सब कल्याण राय जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कल्याण राय भगवान की कृपा हमेशा किराड समाज नहीं संपूर्ण समाज पर रही है और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सब समाज में सामूहिकता के साथ मिलकर हमारी अच्छी संस्कृति, संस्कार, विचारों को सभी समाजों के अंदर ले जाने का काम करते हैं। किराड समाज ने आज शपथ ग्रहण समारोह में पद की शपथ ली है, पद की शपथ के साथ निष्ठा से शपथ ली है कि मैं समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करूंगा। किस तरीके से हम समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, सामाजिक कुर्तियों को समाप्त कर सामाजिक एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और जब जब भी समाजों ने जन आंदोलन खड़ा किया है, केवल समाज में नहीं उस देश और प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि अगर हम सामूहिकता के साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो समाज के अंदर किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। और सामाजिक परिवर्तन के जो विचार हैं, जिन विचारों से हम एक सामाजिक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और उससे समाज आगे बढ़ेगा। जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो आर्थिक परिवर्तन भी होता है। जब समाज के अंदर तमाम नीचे के व्यक्ति जो वंचित हैं, गरीब हैं, अभाव में रहते हैं, जो समाज के सक्षम लोग हैं, वह अच्छे विचारों से विचार करें कि हमें उन गरीब, वंचित, अभाव में रहने वाले व्यक्तियों को सामाजिक समानता के लिए काम करना है, उनको भी सामाजिक स्तर उनका उठाकर उनको आर्थिक सक्षमता देनी है, तो समाज आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। अगर हम राष्ट्र को खुशहाली, समृद्धि पे लाना है तो समाजों को भी समृद्धि, खुशहाली लानी पड़ेगी। अब सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन कई तरीके से हैं। सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन है कि समाज में अच्छी शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और उच्च शिक्षा लाकर हम समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो जो भी राष्ट्र खुशहाली की आप ओर आया है, समृद्धि की ओर आया है, तरक्की की ओर आया है, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है, इनोवेशन का बड़ा महत्व है। और इसीलिए आज भारत के अंदर हमारा नौजवान बौद्धिक क्षमता से भी मजबूत है, टेक्नोलॉजी से भी मजबूत है और उसके साथ साथ
नए इनोवेशन में भी मजबूत है। और इसीलिए यही समय है जब इस अमृत काल के अंदर जब दुनिया भारत की ओर देख रही है तो हमें अपने अपने समाजों के अंदर एक पदाधिकारी की जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि पदाधिकारी गांव में जाए, शहर में जाए, मोहल्लों में जाए, चर्चा करें कि हम किस तरीके से यहां पर कितने परिवार हैं और उन परिवारों के सामाजिक आर्थिक जीवन को कैसे बदलाव ला सकते हैं। अगर ये विचार हमने सामाजिक दृष्टि से करने लगे तो समाज आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा, उनको रोजगार, नए रोजगार, महिलाओं को रोजगार, बहुत सारे विकल्प अभी भारत के अंदर हैं, उन सारे विकल्पों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति को पहुंचाने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होती है। केवल हमने एक सामूहिक विवाह सम्मेलन कर लिया, परिचय सम्मेलन कर लिया, एक दो कार्यक्रम कर लिए, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। समाज के पदाधिकारियों को कोटा शहर और कोटा गांव के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनका बायोडेटा तैयार होना चाहिए, उनके परिवार के आर्थिक सामाजिक स्थिति परिवर्तन पता होना चाहिए, फिर प्लान करके कि इस परिवार को मैं कैसे सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाकर आर्थिक दृष्टि से जाकर समाज के समकक्ष खड़ा करना है, ये योजना बन जाए तो हम क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते। मैं कई समाजों में जाता हूं लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद या कोई कार्यक्रम के बाद कोई समाज का व्यक्ति मुझे नहीं मिलता कि हमारे इस समाज की 50 महिलाएं हैं जिनको हमें आत्मनिर्भर बनाना है, जिनके 300-500 हजार रुपए रोज की कमाई हो जाए ताकि वो परिवार को पाल दे। फिर हम बैठेंगे, योजना बनाएंगे, क्या क्या हुनर है, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या मार्केट की डिमांड है, डिमांड के अनुसार महिलाएं घर में बैठकर क्या काम कर सकती है। अभी मुझे 2-4 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले मिले और उन्होंने कहा कि जो आपकी महिलाएं सामान बनाएगी हम उस प्लेटफॉर्म पर फ्री में देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला 25% कमीशन लेता है, मैंने कहा कोटा बूंदी में तुम्हें कमीशन जीरो, जो सामान आया उसका बेचने का प्लेटफॉर्म बन। फिर मुझे 2 बड़े मॉल स्टोर वाले मिले तो मेरा काम क्या रहता है कि लोगों से समझना, समझना कि भाई तुम क्या कर सकते हो, यहां हमारी महिलाओं को रोजगार कैसे दे सकते हो, यो रोजगार को रोजगार कैसे दे सकते हो, समझना। और समझने के बाद जो लोग इस कैटेगरी में आए उनको साथ में जोड़कर उनको उनके साथ अटैच करकर काम को खड़ा करना, तो समाज में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, और कैसे परिवर्तन आएगा। हमें डिबेट करना चाहिए बैठकर भाई हम कैसे समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति है, 4 आदमियों की आवश्यकता है उसको, 4 आदमियों की नौकरी की आवश्यकता है, या वह बड़ी फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री लगाकर लोगों को काम देना चाहता है तो 4 लोग खड़े करते हैं। यही हमारी जिम्मेदारी है। जितने समाज के लोग हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कैसे हम उसके शिक्षा के अंदर सहयोगी बन सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आ गया साहब सीए की ट्रेनिंग करानी है, पैसा नहीं है, हमारे पास आओ, हम फ्री में कोचिंग कराएंगे। कोई IIT करना चाहता है, डॉक्टर लगना चाहता है, आर्थिक स्थिति कमजोर, हमारे पास आओ, हम उसको खड़ा करेंगे। जब शिक्षा का स्तर बनेगा तो रोजगार के अवसर बनेंगे, शिक्षा से ही रोजगार के नए अवसर बनते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये छात्रावास भी इसलिए बनाया जाता है कि दूर दराज के गांव के लोग जो अभाव में रहते हैं उनके लिए छात्रावास की एक जगह मिल जाती है जहां पर लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अभी महिला छात्रावास की डिमांड, जमीन की बात हो रही थी, राम कुमार जी नहीं आए कि मेहता साहब जमीन ही दी क्या UIT से? तो सवाल ये है कि जमीन के लिए UIT में आवेदन करो, सरकार है जिनसे उनसे मिलो, जमीन का आवंटन होने के बाद बनाने के लिए हमसे मिलो, पहले भी सहयोग किया था फिर बनाएंगे।
आपके समाज के लिए बनाने में आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं आएगी, आप और हम मिलकर समाज में बनाएंगे ताकि दूर दराज से आने वाली हमारी महिलाएं अच्छी शिक्षा संस्कारित पा करके पैरों पे खड़े होकर समाज और देश को आगे बढ़ा सके। आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।